हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्पल मोहित सिंधव। आज हम गुजराती लापसी बनाएंगे। तो लापसी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा बाउल जितना गेहूं का दरदरा आटा ले लिया है और उसी बाउल में मैंने 3/4 पानी ले लिया है। और यहाँ पे मैंने पानी को नॉन स्टिक कढ़ाई पर गर्म करने के लिए रख दिया है और 2 चम्मच जितना मैंने गुड़ ले लिया है वो भी उसी में डाल देंगे पानी में ही। और पानी को हम हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और एक बड़े बाउल में मैंने गेहूं का दरदरा आटा है वो ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि मुझे उसको मोइन लगाना है। तो 3 चम्मच जितना मैंने ऑयल डाल दिया है और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मोइन कर देंगे। और यहाँ पे हाई फ्लेम पे पानी गर्म करने के लिए पानी और गुड़ को हम गर्म कर लेंगे और उसे अच्छे से उबाल लेंगे। आप लापसी बनाते टाइम नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वो नीचे से बैठ जाती है। अगर आप कोई स्टील का या एल्यूमिनियम का बर्तन यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नीचे बैठ जाती है, तो आपकी लापसी है वो बहुत ज़्यादा नीचे चिपक जाएगी, तो उसको आप साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये ऑयल और गेहूं का आटा है वो अच्छे से मिक्स हो गया है और यहाँ पे गुड़ भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। आप ये गुजराती लापसी है वो आप अगर कोई घर में भी फेस्टिवल हो या गेस्ट आए हो और दिवाली या होली ऐसा कुछ भी हो और कुछ मीठा खाने का मन हो और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स घर में नहीं पड़े हो तो आप इसे फटाफट से बना सकते हैं और खा सकते हैं। और अगर कोई थोड़े से भी गेस्ट आ गए हो तो आप इसे बना के सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानी उबल जाने के बाद यहाँ पर गेहूँ का आटा है वो हम सबसे पहले तो आधा डाल देंगे। हमें यहाँ पर पूरा एक साथ नहीं डालना है, सबसे पहले हम आधा डालेंगे और उसे पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब जो आधा गेहूं का आटा बच गया है वो हम डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुड़ के पानी के साथ। अगर आप पूरा गुड़ से या पूरा चीनी से बनाना चाहे तो भी आप लापसी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा मैं चीनी यूज़ करूँगी। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम है वो हम लो कर देंगे यहाँ पे। स्पेचुला से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि वो जो गेहूं का आटा है वो अच्छे से गुड़ के पानी के साथ मिक्स हो जाए और ये कहीं पे भी गुड़ के पानी की बिना ना रह जाए, नहीं तो ये एकदम अच्छी नहीं बनेगी हमारी लापसी। अब ये पूरा गेहूं का आटा है वो अच्छे से मिक्स हो गया है गुड़ के पानी के साथ, तो हम इसे ढक देंगे और हम इसे लो फ्लेम पे हम 7 मिनट के लिए पकाएंगे। 7 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे खोल के और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लापसी बनने में पूरा 15 से 20 मिनट जितना टाइम लगता है। इसे बनाना बिल्कुल ही ईजी है, इसे कोई भी बना सकता है। जो एकदम नए हो और किचन में जिन्हें कुछ भी नहीं आता हो वो भी ये लापसी बना सकता है अगर ये कुछ थोड़े से टिप्स आप फॉलो करेंगे तो। आपकी लापसी है वो एकदम मज़ेदार बनेगी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो हम अब और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। अच्छे से और एक बार मिक्स हो जाए उसके बाद हमें उसे और एक 5 मिनट के लिए इसे ढक के पकाना है लो फ्लेम पे। 5 मिनट हो जाए उसके बाद हम इसे खोल देंगे और गैस का फ्लेम भी हम बंद कर देंगे और इसे अच्छे से और एक बार मिक्स कर लेंगे। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो मैंने यहाँ पे एक डिश ले लिया है और उसमें हम थोड़े से ये लापसी ले लेंगे। एकदम गरम गरम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो हम इसे गरम गरम ही सर्व करेंगे। मैंने यहाँ पे घर की जो चीनी होती है उसे मिक्सी में पीस ली है, उसे हम 2 टेबलस्पून जितना डाल देंगे और 2 चम्मच जितना हम घी डाल देंगे। घी को मैंने यहाँ पे गरम नहीं किया है क्योंकि लापसी जो गरम है उसमें घी और चीनी दोनों मेल्ट हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने हाथों से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।
तो आप भी ये लापसी बनाइए, अपने घर वालों को, फैमिली वालों को खिलाइए। और आपकी लापसी कैसी बनी है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।